तो इन लोग गाइस इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं और आज फाइनल मैच है, बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है फाइनल मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो गाइस डोंगर गांव में स्क्रीन लग रहा है, तो मैं देखने के लिए जाऊंगा फाइनल मैच और आप लोग को भी दिखाने वाला हूं। वैसे तो आज का दिन काफ़ी अच्छा भी है और बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है आज का, इसलिए व्लॉग को पूरा देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग को लाइक कर देना। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और अभी मैं हूँ डोंगर गांव के कॉलेज ग्राउंड में। यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है इंडिया में और इंडिया को उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, और बच्चे लोग से जानते हैं उन लोग कितना क्रिकेट देखते हैं। मैं अभी हूँ डोंगर गांव के कॉलेज ग्राउंड में, यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं और आज है फाइनल मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो बच्चे से जानते हैं कि उन लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप साहू। आपका? अर्पित साहू। हर्षा साहू। आज फाइनल मैच है, पता ही नहीं? हाँ। किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंडिया। इंडिया। और फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? एमएस धोनी। इन लोग तो एमएस धोनी के फैन है लेकिन एमएस धोनी नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा बताओ, रोहित शर्मा विराट कोहली कौन है? विराट कोहली। रोहित शर्मा। और मैच देखते हो कि नहीं देखते? देखते हैं कभी कभी। अच्छा, ये कभी कभी देखता है और इन लोग मैच देखते हैं। और इन लोग को पता ही नहीं आज फाइनल मैच है T20 वर्ल्ड कप का, तो बच्चे लोग इंडिया चिल्ला दो एक बार, इंडिया। तो इन लोग गाइस इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं और आज फाइनल मैच है, बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। और अभी रात के 8 बज गए हैं और इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग करने वाली है, तो चलिए गाइस मैच का एंजॉय करते हैं और आई होप कि भारत जीत जाए और आप लोग पूरा दिखाने वाला हूँ अच्छे से। और अभी मैं आ गया हूँ मार्केट साइड और माहौल भी अच्छा बन गया है और रोहित शर्मा का बैटिंग देखने के लिए मैं एकदम रेडी हो गया हूँ और सब लोग आ गए हैं मैच देखने के लिए। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं डोंगर गांव में कैसा माहौल है फाइनल मैच का। मैच स्टार्ट हो गया है और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, दो गेंद में दो चौका, कोहली फॉर्म में आ गया एकदम, और विराट कोहली की ये और और बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि 11 रन बन चुके हैं। और यहाँ पर इतने सारे क्रिकेट फैंस मैच देख रहे हैं, देख सकते हो आप, और काफी अच्छा माहौल बन गया है और रन हो गया है 174 5 विकेट में ये और आउट। आज था T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो इंडिया टीम के फैंस सब है। चलिए पूछते हैं फर्स्ट इनिंग कैसा लगा भैया? काफी अच्छा था, जिस हिसाब से शुरुआत में थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, अच्छा शुरुआत होने के बाद थोड़ा सा बीच में, उसके बाद भारतीय टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कोहली ज्यादा रन नहीं बना रहे थे, आउट हो जाए थे जल्दी, और इस मैच में अच्छा रन बनाया है, तो उसके बारे में हमको पूरा विश्वास था कि कोहली भले ही विश्व कप में ना चले हों लेकिन आज की उनकी जो पारी है, जो स्कोर भारत ने खड़े किया है, ये सिर्फ कोहली के कारण है और निश्चित तौर पर अभी भारतीय टीम इस बार विश्व कप जीत रही है। इंडिया इंडिया। तो आप लोग को क्या लगता है ये स्कोर इंडिया कर पाएगी? आप ये स्कोर बिल्कुल इंडिया डिफेंड कर पाएगी क्योंकि 176 का जो स्कोर है इस पिच पे बहुत ही बड़ा स्कोर है और इंडिया ये मैच जरूर जीतेगी। आज तक इंडिया साउथ अफ्रीका कभी विश्व कप का फाइनल जीती ही नहीं है, फाइनल में पहुंची नहीं और आज भी वो लोग हारेंगे। जैसे कि टीम इंडिया एक दो बार एकदम अच्छा खेली, उसके बाद जल्दी जल्दी विकेट गिरना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा डर लगा था? नहीं, डर जरूर था लेकिन जब तक कोहली थे तो हमको पूरा भरोसा था कि आज मैच खेलेगी, मैच अच्छा होगा, खड़े कर पाएगी। तो फर्स्ट इनिंग में बहुत ही अच्छा स्कोर बन गया है और इंडिया और इंडिया फर्स्ट बैटिंग करके 176 स्कोर किए हैं और अभी साउथ अफ्रीका चेस करने वाली है, तो आप लोग को पूरा दिखाने वाला हूं। बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है और आई होप कि इंडिया फाइनल मैच जीत जाए।
अभी सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गया है और साउथ अफ्रीका भी बहुत ही अच्छे ही तरीका से खेल रही है। आउट करना बहुत ही जल्दी जरूरी है वरना कुछ। और चेक करिए इतने सारे लोग टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और मैच का आनंद उठा रहे हैं। मैच का लास्ट ओवर 6 बॉल में 16 रन चाहिए जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को और देखते हैं क्या हो पाता है। और दिल की धड़कन बढ़ गई है सब लोगों की और बारिश भी स्टार्ट हो गया है और 6 बॉल में 16 रन चाहिए। और 4 बॉल में 12 रन चाहिए। काफी रोमांचक मैच हो गया है, कुछ भी हो सकता है। और रबाड़ा स्ट्राइक में और गाइस काफी रोमांचक चल रहा है मैच। और देखते हैं यार बॉल क्या था। और सभी के मोबाइल चालू हो गए हैं। 1 बॉल में चाहिए 9 रन। 1 बॉल में चाहिए 9 रन। और लाइव देखिए क्राउड यहाँ पर। फाइनली इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया है और बहुत ही खुशी हो रही है। काफी ज्यादा जश्न मन रहे हैं और एक टाइम में लग रहा था कि क्लासेन नाम का तूफान आया था, लंबे लंबे छक्के लग रहे थे तो ऐसा लग रहा था मैच निकल गया क्या करके। लेकिन जहां से हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया क्लासेन का, उसके बाद बुमराह का ने विकेट लिया, उसके बाद मैच पकड़ में आया, उसके बाद ऐसा लगा कि फाइनली अब जीत रहे हैं। तो अब इंडिया जीत गया है, बहुत ही खुशी का माहौल है गाइस। आप लोगों को कैसा लगा ये वाला क्रिकेट मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 का? और इंडिया एक मैच भी नहीं हारी थी अभी तक और ये वाला मैच भी जीती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को बेकार लग रहा होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फाइनल खेल रही थी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप लोग को ये वाला व्लॉग मजा आया होगा और एक बार फिर से इंडिया इंडिया के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप जीत गया है और चैंपियन टीम बन गई है गाइस। बहुत ही मजा आया और चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।